हेलो नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा गुरुकुल फैमिली में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जियोग्राफी से रिलेटेड है, भारत की प्रमुख झीलें। ठीक है, आज का जो जो हमारा टॉपिक है वो बिना ट्रिक के हम करेंगे। इतनी सारी झीलें जो चुटकियों में याद होने वाली है, तो सबसे पहले देख लेते हैं पैगोंग झील, डल झील, वुलर झील और मानस झील। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट झीलें हैं। ठीक है, पैगोंग झील, डल झील, वुलर झील और मानस झील। ठीक है, चार चार झीलें वैसे याद कर लेते हैं, ये तकरीबन सभी को याद भी मिलती हैं। कौन कौन सी? पैगोंग, डल, वुलर, मानस। ठीक है, चार झीलें हैं। उसके बाद देखते हैं बैरीनाग झील, नागिन झील, शेषनाग झील और अनंत झील। ठीक है, चार ये नदियां हैं, बैरीनाग झील, नागिन झील, शेषनाग झील और अनंत झील। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बिना किसी ट्रिक के माध्यम से आज हमें बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो सभी झीलें याद होने वाली हैं। ठीक है, तो देखते हैं, ये हैं एक दो बार इनको रिवाइज करेंगे, जैसे कि पैगोंग झील, डल झील, वुलर झील, मानस झील। ठीक है, उसके बाद ये है हमारी जम्मू कश्मीर की झीलें। ठीक है, ये हमारी जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। कौन कौन सी? पैगोंग, डल, वुलर, मानस। ठीक है, उसके बाद बैरीनाग, नागिन, शेषनाग और अनंत। जिनके पीछे नाग शब्द लगा हो वो हमेशा जम्मू कश्मीर की झील होंगी। ठीक है, जिनके पास नाग, ये देखिए बैरीनाग, नागिन झील, शेषनाग, अनंतनाग झील, ठीक है, वो हमारी जम्मू कश्मीर की है। अगर एग्जाम में पूछा भी जाए तो आंख मीच के ये उस पर जम्मू कश्मीर पे लगा दें। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सात ताल झील, नैनीताल झील, राक्कस ताल झील और माला ताल झील, देवताल झील, नोकुछिया ताल झील, खुर पाताल झील और चिल्का झील। ठीक है, ये झीलें देखते हैं दोस्तों कि ये किस लिए इम्पोर्टेंट है। सात ताल झील, नैनीताल झील, राक्कस ताल, माला ताल, देव ताल, नोकुछिया ताल और खुरपा ताल, जिनके भी बाद में ताल शब्द जुड़ा हो वो उत्तराखंड की प्रसिद्ध झीलें हैं। ठीक है, जिनके बाद में ताल, सात ताल, नैनीताल, राक्कस ताल, ताल, देव ताल और नोकुछिया ताल, खुरपा ताल झील। ठीक है, ये हमेशा उत्तराखंड की झीलें आती हैं। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों राजसमंद झील, पिछोला झील, सांबर झील, लुनकस झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील, नक्की झील और देवर झील। ठीक है, इनको हम याद कैसे करेंगे दोस्तों? थोड़ी सी हम कोशिश करेंगे कि एक दो बार इनको रिवाइज किया जाए। ठीक है, राजसमंद झील, ये हमारी राजस्थान की बेहद ही इम्पोर्टेंट झील है, ये राजस्थान की झील है। ठीक है, राजस्थान की झील है राजसमंद झील, पिछोला झील, सांबर झील। सांबर झील क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? ये बहुत अधिक भारत की जो सबसे खारे पानी की झील है दोस्तों, वो सांबर झील है। यहाँ से ये जो सांबर झील है, सबसे ज्यादा नमक बनाने का प्रयोग किया जाता है इसके जल से। ठीक है, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, सबसे अधिक खारी बोले खारी झील ये हमारी सांबर झील है। ठीक है, ये इसलिए प्रसिद्ध है। लुनकरसनर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील और नक्की झील, ये नक्की झील, देवर झील, ये दोस्तों नक्की झील या वो देवर झील है जो वो राजस्थान की मीठे पानी की झील है। ठीक है, ये याद रखेंगे हम। ठीक है, एक बार और रिवाइज करेंगे। देखिए राजसमंद झील, पिछोला झील, सांबर झील, सबसे इम्पोर्टेंट है सांबर झील, ये बहुत अधिक खारे पानी की झील है, इसका ज्यादातर नमक बनाने के लिए इसके पानी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद लुनकर, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील, नक्की झील और देवर झील, देवर झील है जो राजस्थान की मीठे पानी की झील है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों चिल्का झील।
चिल्का झील क्यों प्रसिद्ध है? ये उड़ीसा की झील है, ठीक है, उड़ीसा की झील है, ये भारत की जैसे कि खारे पानी की झील है, बड़ी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये ज्यादा नमकीन थी और ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। डिफरेंस देखना दोस्तों, ये चिल्का ओडिशा में है और उसके ये सांबर है जो राजस्थान में रहे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लोकटक झील, ये मणिपुर राज्य की है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और देख लेते हैं जैसे कि कोलेरू झील, हुसैन सागर झील और पुलिकट झील, ये आंध्र प्रदेश की झीलें हैं। जो ये पुलिकट झील है दोस्तों, ये तमिलनाडु का क्षेत्र भी इसमें आता है, ठीक है। कोलेरू झील, हुसैन सागर झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के झीलें हैं, ठीक है। उसके बाद बेम्बाना झील, अष्टमुदी झील और पेरियार झील, ये केरल की है। जो पेरियार झील है दोस्तों, उस पर इडुक्की बांध परियोजना है, ठीक है। बांध परियोजना का एक और टॉपिक हम आपके सामने लेकर आएंगे थोड़े से दिन के बाद, ठीक है। बेम्बाना झील, अष्टमुदी झील, पेरियार झील और केरल, ये केरल की है, ठीक है। उसके बाद लोनार झील, ये महाराष्ट्र की है। लोनार झील किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये इसलिए प्रसिद्ध है कि 5000 या इससे अधिक समय बीत गया दोस्तों कि यहाँ पर एक उल्का पिंड गिरी थी, ठीक है। उसके बाद इस लोनार झील का निर्माण हुआ था, ठीक है। यह ऐसी झील है जो खारी और अक्षारीय दोनों का मिश्रण है, ठीक है। ये थी एक इसकी लोनार झील की इम्पोर्टेंट बात। और जो ये वुलर झील है दोस्तों, ये जो जम्मू कश्मीर की मीठे पानी की झील है, ठीक है। ये थी आज की जो हमारी इम्पोर्टेंट झील है दोस्तों। एक बार, एक दो बार अगर आप भी मेरी तरह जैसे रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी याद होंगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों। इससे हमें कुछ नहीं मिलता, बस थोड़ा सा हौसला मिलता है आगे बढ़ने का, ठीक है। तो तब तक के लिए एक फिर मिलते हैं आपके सामने, एक अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।